करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसंतं हृदयारिविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसंतं हृदयारिविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसंतं हृदयारिविंदे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसंतं हृदयारिविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे। आज हम यहाँ पर इस फिल्म में ज्योतिष से संबंधित और उनकी ग्रह स्थितियों से संबंधित कुछ विशेष चर्चाएं आपके समक्ष यहां करेंगे और कुछ ग्रहों की स्थिति कैसी होती है, कुछ नक्षत्रों की स्थिति कैसी होती है और किन लोगों से भूलकर भी टकराना नहीं चाहिए। इंसान नहीं लड़ते, इंसान की कुंडलियां और ग्रह लड़ते हैं। जिसकी कुंडली बलवान होती है, जिसके ग्रह बलवान होते हैं, जिसके नक्षत्र में शक्ति होती है, वह विजयी होता है। युद्ध हो, चुनाव हो, मुकदमा हो या कोई भी चीज हो, अपने ग्रह नक्षत्र और कुंडली टटोल के और दुश्मन के ग्रह नक्षत्र और कुंडली टटोल के या प्रतिद्वंदी के उसके बाद मुकाबला करना चाहिए, करने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ इस फिल्म में भगवान श्री राम की जन्म कुंडली यहाँ प्रस्तुत करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की भी जन्म कुंडली यहाँ दिखाएंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ऐसे कौन से ग्रह योग थे, कौन सी ज्योतिषीय ऐसी राशियों की स्थिति थी, ग्रहों की स्थिति थी या भावों में ग्रहों की स्थिति या दशाएं आदि क्या थी कि जो है राम राम हो गए, भगवान हो गए और कृष्ण कृष्ण हो गए
और भगवान हो गए। आखिर इन दोनों कुंडलियों में क्या समानता, क्या विपरीतता और क्या विशेषताएं हैं, ये दोनों कुंडलियां प्रस्तुत करके हम इस पर भी आज आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो नंबर आता है वो इन दोनों कुंडलियों की खासियत को ध्यान में रख के ही हम चर्चा करेंगे, और ये खासियत हमें जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की कुंडली में भी मिलती है, जिस खासियत को हम यहाँ आज बात करने जा रहे हैं। तो ये स्थिति जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में भी थी और इंदिरा गांधी की कुंडली में भी थी, और जो कृष्ण की कुंडली में थी। और इसके ठीक विपरीत उल्टी स्थिति कुंडली में राम की में होती है। तो राम और कृष्ण की कुंडली एकदम से विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऐसी अवस्था में हम जो बात करते हैं, तो यहाँ पर जो मुख्य बात आती है कि कृष्ण की कुंडली में जो मुख्य बात है, या राम की कुंडली में जो मुख्य बात है, वो है छठा और बारहवां घर। ये सबसे ज्यादा प्रमुख बात है छठे और बारहवें घर की। तो ये छठा घर जो रहता है, ये छठवां घर मामा का, शत्रु का और ऋण रोग आदि का रहता है। तो इसमें जो श्री कृष्ण की बात है, तो छठवां घर शत्रु का, मामा का और इन चीजों का रहता है, चिंता, ऋण यानी कर्ज वगैरह। और बारहवां घर जो रहता है वो रहता है मुकदमों का और ऋण, चिंता, व्यय यानी जो खर्च होता है या जो चीज जाया होती है यानी नष्ट होती है, ये बारहवां घर इस चीज के लिए रहता है। तो छठे और बारहवें घर में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि शत्रु का घर और मामा का घर, ये दोनों एक ही है यानी छठवां घर है, और जो बारहवां घर है वो ऋण, चिंता, व्यय और मुकदमाबाजी, अदालत, उससे संबंधित रहता है। और यहां पर जो हम ग्रहों की बात कर रहे, तो राहु और केतु दरअसल में तो एक ही थे, लेकिन जब अमृत मंथन हुआ तो इन्होंने जाके देवताओं की लाइन में लग के चोरी से अमृत पी लिया था, तो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया। तो जो सिर है वो अलग घूमता रहता है, उसको राहु कहते हैं, और जो धड़ है जिसके हाथ में तलवार है उसे केतु कहते हैं। तो आप जब भी किसी भी उसमें पत्रा या पंचांग में इनका चित्र देखेंगे तो राहु का केवल सिर नजर आएगा और केतु का केवल धड़ नजर आएगा। और इनकी ये विशेषता रहती है कि ये कभी भी मार्गी नहीं होते, ये हमेशा वक्री रहते हैं। दूसरी विशेषता ये कि जन्म कुंडली में ये हमेशा आमने सामने रहते हैं, एक घर का भी अंतर नहीं पड़ेगा, एक भाव का भी अंतर नहीं पड़ेगा, ये हमेशा आमने सामने रहते हैं। यानी आमने सामने का अर्थ होता है पहला और सप्तम, यानी जहां भी ये बैठे होंगे उससे ठीक सातवें घर में दूसरा बैठा होगा। तो ये जो छठे घर का सातवां घर है वो बारहवां है, और बारहवें का सातवां छठवां है। तो ये जो कृष्ण की और राम की जन्म कुंडली में, या इंदिरा जी की में, या जवाहरलाल नेहरू जी की में, या खुद मेरी में, केतु छठे घर में बैठा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में केतु छठे घर में है, और केतु का जो स्वरूप है हाथ में तलवार लिए हुए है, लेकिन उसके सिर नहीं होता, बगैर सिर का तलवार भांजता रहता है वो। और इसी प्रकार राहु के सिर तो है लेकिन धड़ नहीं है,
तो जितने भी राजनेता होते हैं या राजनीति होती है, इसीलिए राहु को राजनीति का कारकेश कहा जाता है, क्योंकि उनमें क्या है, केवल खुपड़िया चलाते, धड़ नहीं होता, यानी सिर ही सिर है, पैर नहीं है, यानी धड़ नहीं है। इसीलिए नेता बातों के बतासे बांटते हैं, इसीलिए राहु को राजनीति का कारकेश भी कहा जाता है, और ज्यादातर लोग राहु की अंगूठी गोमेद नेता लोग जरूर पहनेंगे। कोई सच्चा नेता होगा जो कि गोमेद तब पहनेगा जब उसकी कुंडली बोलती होगी, कुंडली बोले न बोले, पंडित जी को दक्षिणा दी, पंडित जी ने पैसे लिए, उनको गोमेद पहना दिए, जाओ बेटा नेता बन जाओ, पहन लो सफेद खाती के कुर्ता पजामा और जाओ बेटा सीधे भोपाल जाओगे अब तुम, या उनके यज्ञ करा दिए, हवन करा दिए, उल्लू भले ही उनकी कुंडली बोल रही हो या ना बोल रही हो, हस्तरेखाएं बोल रही हो या ना बोल रही हो, या अन्य कोई योग हो या ना हो। अब ये राहु केतु की स्थिति के हम बारे में बात कर रहे हैं यहाँ, तो भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में छठे घर में केतु था, केतु के साथ में ही शनि और शुक्र भी थे वहां, लेकिन अभी फिलहाल हम बात केतु की करेंगे, श्री कृष्ण की जन्म कुंडली की बात इस फिल्म के अंत में करेंगे, राम और श्री कृष्ण की। तो जब छठे घर में केतु होता है, इसका अर्थ ये है कि उसके हाथ में तलवार होती है, सिर नहीं होता, देखता कुछ नहीं है, वो सिर्फ तलवार भांजता रहता है, और गांवों में या युद्ध में जब होता था कि सिर कट जाता था तो धड़ अकेला तलवार चलाता रहता था, उसको कहते हैं गांव में रुंड उठना और मुंड गिनना। तो रुंड जब उठता है और रुंड जब तलवार चलाता है, जैसे एक बार हमारे गांव में हुआ था, तो वहां रुंड उठाता तो उसने पूरी सरसों ही काट डाली तलवार से, तो उसे दिखता नहीं है वो, और रुंड जो है गिरता जब है तब तो उस पर कंबल डाला जाता है, कंबल डाल दो तो वो रुंड गिर जाता है। तो आपने देखा होगा केतु के दानों में कंबल जरूर आता है कि कंबल का दान करें, तो केतु की जब पीड़ा हो या तो उसमें कंबल का दान अवश्य बताएंगे, कुत्ते को रोटी अवश्य बताएंगे। तो केतु कई चीजों से जुड़ा हुआ है, केतु कुत्ते से भी संबंध रखता है और केतु कंबल से संबंध रखता है, और केतु के और भी चींटियां चुगाने जो नारियल गाड़ा जाता है उसमें बूरा भर के चीनी भर के, और वो चींटियों के लिए गाड़ा जाता है। हाँ, तो ये जब केतु छठवें घर में बैठता है तो वो रुंड की जो हम बात कर रहे थे, केतु के दानों की जो बात कर रहे थे, तो कंबल डाल दो तो रुंड गिर जाता है, नहीं तब तक रुंड नहीं गिरता है और वो तलवार चलाता ही रहता है, उसे दिखता कुछ है नहीं, उसके सिर नहीं रहता, तो जो भी सामने पड़ जाए, चाहे अपना पड़ जाए, चाहे दुश्मन पड़ जाए या कोई और पड़ जाए, लेकिन वो तलवार चलती ही रहती है उसकी और वो मारता ही रहता है। तो जब छठे घर में केतु आ जाता है तो उस आदमी के शत्रु नहीं रहते और मामा नहीं रहते, तो मामा और शत्रु इन दोनों का नाश करता है वो केतु। उसकी जन्म कुंडली में यह जो योग रहता है, यह योग इस प्रकार का है कि उसमें न उस व्यक्ति के मामा नहीं होंगे, और होंगे तो मारे जाएंगे। तो जब छठे घर में केतु बैठा हो, ऐसा आदमी किसी को मामा कह दे या मामा मान ले या उसका सगा मामा ही हो, मामा बचेगा नहीं, मामाओं का सर्वनाश हो जाएगा। और दूसरा, वहां पे वही घर वो शत्रुओं का है, अगर ऐसे व्यक्ति से किसी ने शत्रुता मान ली, शत्रुता ठान ली, या ऐसे व्यक्ति से किसी की शत्रुता हो गई, प्रतिद्वंद्विता हो गई, या उससे उसका मुकाबला हो गया, भले ही मन में घर में बैठ के कोई विरोध सोच ले, जिसे गुप्त शत्रु कहते हैं, जो उसको पता नहीं होते लेकिन गुप्त शत्रु भी होते हैं, जो आपको पता नहीं होते लेकिन शत्रु होते हैं, आपके मुंह पे मीठी बात करेंगे,
और पीठ पीछे शत्रुता का पूर्णतः संपादन करेंगे, पूरी निभाएंगे और पीठ पीछे करेंगे और मुंह पे आके फले बनेंगे। वो उनको गुप्त शत्रु कहा जाता है। तो चाहे गुप्त शत्रु हो चाहे ज्ञात शत्रु हो, ये जो केतु रहता है छठवें घर में, उस इंसान के शत्रु बचते नहीं हैं, उनको केतु मार देता है। तो वो ये नहीं देखता कि अपना कौन है, शत्रुता कोई भी ठान ले या विरोध कोई भी ठान ले, चाहे अपना हो या पराया हो, उसका नाश ये केतु करते हैं, तलवार चलाते रहते हैं। और ये इनकी विशेष और खास बात है। और इंदिरा जी की कुंडली में यही केतु था कि उनके विरोधी अपने आप ही नष्ट हो जाते थे, शत्रु नष्ट हो जाते थे, उनके मामा नहीं थे। और यही बात जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में थी। अब हम आते हैं भगवान श्री कृष्ण की कुंडली पर, तो श्री कृष्ण की कुंडली में भी केतु छठवें घर में बैठा, तो उनके भी शत्रु इतने थे कि जेल में तो पैदा हुए, जेल से ही शत्रु बनना शुरू हो गए। और जब तक कि उन्होंने आकर के मथुरा में कंस को मार नहीं दिया, यानी अपने मामा को खत्म नहीं कर दिया, उनका सगा मामा था कंस, तब तक वो निरंतर शत्रुओं को भेजता रहा। पूतना से लेकर के, पूतना जो थी दूध पिलाने आई थी, तो उन्होंने उसे बिल्कुल बचपन में, बिल्कुल नवजात शिशु के रूप में ही उसको मार डाला। यानी वो जो पैदा हुए तब से शत्रुओं से लगातार लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, इतने राक्षसों से लड़े कि बच्छासुर तक का, यानी बछड़े का, गाय के बछड़े का रूप धर के राक्षस आ गया। तब जो है श्री कृष्ण ने उसका भी वध किया, क्योंकि वो बछड़ा जो है कृष्ण की गऊओं को मारने लगा, तब उन्हें पहचानने में जरा देर लगी कि अरे ये बछड़ा नहीं है, बछड़े के रूप में एक राक्षस है। तब उन्होंने उसको मारा। तब राधा जी ने कहा कि अरे तुमने तो गाय के बछड़े को मारा है, तुमको तो गौ हत्या का दोष लग गया, तो तुम जब तक स्नान नहीं करोगे 7 नदियों के पानी से, तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने 7 नदियों का जल मंगाया और वहां एक कुंड है, परिक्रमा जब गोवर्धन की देने जाते हैं तो कृष्ण कुंड मिलता, श्री कृष्ण कुंड। तो श्री कृष्ण कुंड में 7 नदियों का जल डाला गया, उसमें उन्होंने बाकायदा स्नान किया, पवित्रता धारण की, तब राधा जी उनसे वापस मिली। इसलिए वहीं बगल में राधा कुंड भी है और वहीं श्री कृष्ण कुंड अगल बगल में है। तो ये तो केतु की बात रही कि ये केतु ऐसे कमाल करता है, ना मामा को छोड़ता है ना शत्रुओं को छोड़ता है। मन में भी धोखे से किसी ने मामा मान लिया अपने आप को किसी का, तो उसका केतु छठवें घर में होगा तो वो मामा सर्वनाश हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी खुद की कुंडली में भी केतु छठवा ना हो। अगर छठवें घर में केतु जिस मामा की में बैठा हो या जिस शत्रु की में बैठा हो, केवल वही बच पाएगा, वरना सारे मारे जाएंगे। और उनको ये केतु मारेगा, केतु के सिर नहीं है, केवल धड़ है, तलवार है हाथ में, तलवार घुमाता रहता है। तो न शत्रुओं को छोड़ता, ना विरोधियों को, ना प्रतिद्वंदियों को, या मन में चाहे वे गुप्त शत्रु हो और चाहे ज्ञात शत्रु हो। तो ये तो रही केतु की महिमा। ये मैंने जो बयान करी, ये भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में भी देख रहे हैं आप, देखेंगे फिल्म में है। और केतु की ये जब स्थिति हो कि छठे घर में बैठा हो, छठा घर जो नीचे नीचे केतु दिख रहा है उसे छठा घर कहते हैं, ये शत्रु और मामा का घर है। अब आते हैं हम राहु की बात पे, कि राहु जब 12वां हो, ये कृष्ण की कुंडली में 12वां राहु था, इंदिरा जी की कुंडली में 12वां राहु था, जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में 12वां राहु था, मेरी भी कुंडली में 12वां राहु।
तो ये जो बारवा राहु है ये व्यय भाव में चला गया, ये व्यय भाव भी है, ये ही चिंता ऋण और मुकदमेबाजी का घर है। तो ऐसे लोगों पर राजनीतिक मुकदमेबाजी होती है। दूसरा, राहु जब बारहवें घर में आ जाए तो कूटनीति और रणनीति से इन पे सब पे विजय पाने का संकेत देता है। तो शत्रुओं को भले ही केतु नष्ट कर रहा है, मामाओं को नष्ट कर रहा है, नष्ट तो वो भी होंगे, लेकिन कब, जब जो है राहु की रणनीति, राजनीति, कूटनीति का इस्तेमाल, राहु बारहवें घर में आया है, राहु एक धुआं है, भले ही उसे सिर के रूप में चिन्हित किया जाता है, लेकिन जो लाल किताब कहती है उसका वो बताती है, बखान करती है कि राहु एक धुआं है, बस धुआं, जिसके नीचे आग नहीं होती, बिना आग का धुआं है। तो जब भी राहु की दशा चलती है किसी व्यक्ति पे, महादशा चलती है, जब अंतर दशाएं चलती हैं, प्रत्यंतर चलती हैं, तो राहु के बारे में बड़ी स्पष्ट सी बात होती है, उस आदमी पे मिथ्या इल्जाम लगेंगे, झूठे आरोप लगेंगे, लत्ते का सांप बनाया जाएगा, ये राहु की पीड़ा है। और दूसरी इसकी विशेषता रहती है राहु की कि वो आदमी दो नाव पे सवारी करता है, दो रास्तों पे एक साथ चलता है, दो नाव पे एक साथ पांव रख के चलेगा। तो कई एक विशेषता है राहु की, तो उनसे पहचान हो जाती है। दूसरा क्या, उसमें हमेशा हर चीज के बारे में दो दो लेके चलेगा, तो कोई भी चीज हो उसे दो पसंद आएंगी, ये दो काम करेगा एक साथ। अब ये राहु गया बारहवें भाव में, यानी व्यय भाव में, तो ऐसे व्यक्ति के राहु के जो अवगुण हैं वो तो चले गए व्यय भाव में, लेकिन उसके कुछ गुण भी हैं। एक तो राजनीति का कारकेश है, और राहु जो है इतनी बड़ी राजनीति करवा देता, राजपाट दिलवा देता, लेकिन जब राहु बारहवें घर में चला जाए तो उसकी राजनीति भी व्यय भाव में चली जाती है, और राहु के जितने भी गुण हैं वो सब उसी में चले जाते हैं। जैसे कि राहु का जो लाल किताब बताती है, तो एक तो हाथी और दूसरा सांप का मुंह, केतु सांप की पूंछ है और राहु सांप का मुंह है, और इसी से जन्म कुंडली में जब इस प्रकार से स्थिति हो तो राहु से केतु तक अगर सारे ग्रह आ रहे हो तो उस कुंडली में काल सर्प योग बन जाता है, इसी को काल सर्प योग कहते हैं। तो यानी सांप का मुंह होता है राहु और पूंछ होती है केतु। इसी प्रकार से अब राहु के बारे में दूसरी बात करें कि व्यय भाव में जब आ जाता है तो ऐसी स्थिति में ये उसके मुकदमों को व्यय और यही चिंता और ऋण इत्यादि का घर है। अगर उच्च के आ गए हैं, उच्च के आए इसका अर्थ होता है धनु में केतु हो और मिथुन में राहु हो, तो इन्हें उच्च का माना जाता है। तो उच्च के आ गए होंगे तो ये अपना प्रभाव बड़ा प्रबलता से दिखाएगा और वहां पर अपना बड़ी बलवान स्थिति में, लेकिन इसमें आदमी को इतना आध्यात्मिक बना देता है ये बार बार राहु, इतना आध्यात्मिक कि वो आदमी पूजने लगता है, उसकी पूजा होने लगती है। यही कारण था भगवान श्री कृष्ण की हर जगह पूजा होती है, हर जगह मंदिर है। तो ये जो है ये मैंने आपको राहु के बारहवें घर का और केतु के छठवें घर का, ये श्री कृष्ण की कुंडली में भी था, जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में भी था, इंदिरा जी की कुंडली में था, तो ये स्थिति थी। और इसमें एक खासियत होती है कि ऐसे किसी भी आदमी को उसके शत्रु विरोधी नष्ट हो जाते हैं, और ये जो वो रहता है
वो मैंने सब पूरा ये वर्णन अभी आपकी केतु की छठवीं और राहु की बारहवीं स्थिति के बारे में यहां पर बयान किया। ओम, अब आगे बताते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। अब इस फिल्म को हम यहीं पे पूर्ण करते हैं और इससे आगे इसकी उलट स्थिति यानी जब राहु छठवा हो और केतु बारवा हो तथा भगवान श्री कृष्ण की कुंडली का और भगवान श्री राम की कुंडली का विवेचन हम अपनी अगली फिल्म में प्रस्तुत करेंगे, इस फिल्म के दूसरे भाग में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद आपसे इस फिल्म को यहाँ पर पूर्ण करने की अनुमति चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।